वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं अपने कुछ शेयर्स के बारे में। इनके ऊपर मैं लास्ट टाइम वीडियो बना चुका हूं और कई बार वीडियो बना चुका हूं, तो मैं हर बार इन पे लेवल देता हूं। अगर कोई भी मूवमेंट आने वाला होता है तो मैं बताता हूं, मैं आने वाले टाइम पर इस पर नज़र रखो। अभी के लिए जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम टाटा मोटर है। आपको याद होगा लास्ट टाइम जो मैंने इसके वीडियो बनाई थी, एक देखो 24 सितंबर को इसका प्राइस 317 रुपये के आसपास था। तब मैंने कहा था 320 के ऊपर कुछ दिन सस्टेन रहेगा तो आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। फिर 27 सितंबर को ऑटो सेक्टर के लिए कुछ अच्छी न्यूज़ आई थी, तब मैंने कहा था अब ऑटो सेक्टर के जितने भी शेयर है उन सब के शेयरों में एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिलेगा, चाहे बजाज ऑटो हो जाए, चाहे मारुति हो जाए, चाहे TVS हो जाए, कोई भी हो। 10 अक्टूबर को मैंने रिसेंटली टाटा मोटर पर वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि आपको मंडे को ये 400+ शेयर जाता हुआ मिलेगा। आप चाहो तो मेरी वीडियो प्ले करके देख लेना। जैसा कि आपके सामने आज की डेट में इसका लो था 388 रुपये, हाई गया 420 और 390 इसका ओपन प्राइस है। तो अभी के डेट में वही है 420 का ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर 420 के ऊपर सस्टेन होता है तो उसी कंडीशन में आपको आने वाले टाइम में 430 रुपये के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। तो अभी के लिए 420 का इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब बात करते हैं अगर किसी ने अभी शेयर ले रखा है तो उसका SL क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आया हूँ, यहाँ पर लेवल चेक कर लेते हैं एक बार। जैसा कि अभी ये दिखा रहा है 8 अक्टूबर का, इसने अभी अपडेट नहीं किया तो अपडेट इट मीन 400 रुपये के ऊपर ही शेयर है। अभी करंट प्राइस 417 रुपये है। तो अभी के लिए जो हमारे पास SL आ रहा है, अगर किसी ने शेयर अभी बाय कर रखा है तो 400 रुपये के SL के साथ इसे ट्रेड कर सकता है। और जो हमारे न्यू बायर है वो तब तक बाय नहीं करेंगे जब तक ये 420 के ऊपर कुछ दिन सस्टेन ना करे। अगर 420 के ऊपर सस्टेन करेगा तब उस कंडीशन में उसने 417 रुपये के SL रखना है। तो यही है इसके लिए। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर की। अब आपको याद होगा मैं जब भी आपको स्टार्टिंग में 2-3 महीने पहले मैं जब भी वीडियो बनाता था और मैंने आपको जब भी कहता था कोई ऐसा शेयर है जिसको आप लॉन्ग टर्म रख सकते हो, तो उससे मैंने आपको ट्राइडेंट कहा था। तो ट्राइडेंट का एक सबसे बड़ी बात है ये शेयर डिविडेंड भी पे करता है, और उस समय इसका शेयर का प्राइस था 14-15 रुपये के आसपास प्राइस था। आज की डेट 35 रुपये 70 पैसे इसका प्राइस है। और लास्ट टाइम जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो मैं दिखाता हूँ आपको, तो एक मैंने बनाई थी 3 अगस्त को और उसके बाद मैंने वीडियो बनाई थी 8 अक्टूबर को। 3 अगस्त को जब मैंने वीडियो बनाई थी तब मैंने ये बात बोली थी कि इस शेयर में आने वाले टाइम को आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। और उसके बाद एक क्योंकि उसमें है ना, एक तो उनके क्वार्टर का रिजल्ट आया था और उसके अकॉर्डिंग इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। अगर आप प्रॉपर इसको ट्रैक करोगे, इसकी बैलेंस शीट देखोगे और क्वार्टर की जो इसकी परफॉर्मेंस है वो भी देखोगे तो आपको ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो 8 अक्टूबर को मैंने दोबारा वीडियो बनाई थी और याद होगा जो मेरी पहली वीडियो 6 फरवरी को थी इसके ऊपर, और तब मैंने कहा था अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के किसी शेयर में अगर इन्वेस्ट करना है तो सबसे बढ़िया ये है। आज की डेट में जैसा कि आपके सामने है इसका प्राइस है 35 रुपये 70 पैसे। अब एक बार लेवल की बात करते हैं। जैसा कि इसमें अभी इन्होंने अपडेट नहीं किया, 8 अक्टूबर का प्राइस आ रहा है तो आज की डेट में 10 अक्टूबर है। तो मैंने जो मेरी लास्ट वीडियो थी जो मैंने 10 तारीख को बनाई थी, आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर, लास्ट वीडियो जो मैंने 8 अक्टूबर को बनाई थी यानी उस दिन मार्केट बंद हुई थी, शाम को मैंने वीडियो बनाई थी। तो एक मिनट में लेवल दिखा देता हूँ। तब मैंने आपको कहा था अब इसका अगला टारगेट 35 रुपये के ऊपर है। आप चाहो तो वीडियो प्ले कर देखना। और अब इसका जो SL आ रहा है हमारे पास 34 रुपीज़ का SL आ रहा है। अगर किसी ने अभी के टाइम में इसे बाय करना है तो 34 रुपीज़ के SL के साथ इसे बाय करे, वरना इसे ना करें। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, आज के लिए सिर्फ SL में फोकस करो, 34 रुपीज़ का SL है, इसी के साथ आपने ट्रेड करना है। कोई भी न्यू बायर है अगर किसी ने बाय कर रखा है एकदम साइड 2-3 महीने पहले 12-13 रुपये में, तो उसे सेल ना करें, लॉन्ग टर्म रखें, बहुत बढ़िया शेयर है, कोई सुनी। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर की जिसका नाम है कोल इंडिया। आपको याद होगा कोल इंडिया पे लास्ट टाइम मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ और हर लेवल के ऊपर बता रहा हूँ अगला लेवल क्या होगा, और उसी के हिसाब से शेयर ने पूरी तरह ट्रेड किया है। अब लास्ट टाइम मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जो मेरी अभी रिसेंटली वीडियो थी सितंबर में, वो 9 सितंबर को बनाई थी। तब मैंने कहा था अगर 160 रुपये के ऊपर कुछ दिन सस्टेन रहेगा तो आने वाले आपको 180 रुपये के आसपास ये शेयर जाता हुआ दिखेगा। फिर लगातार हर टाइम मैंने इसके ऊपर एक लेवल दिया, उसी लेवल के अकॉर्डिंग शेयर ने परफॉर्म किया। तो अभी की डेट में जो हमारा अभी करंट SL होना चाहिए इसमें, उसके ऊपर बात करते हैं। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म रखना चाहता है तो इस समय ना ये शेयर लॉन्ग टर्म बाइक के लिए नहीं है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तब आप ट्रेड कर सकते हो। अब एक बार लेवल देखते हैं, जैसा कि आपके सामने है 196 रुपये 65 पैसे और यहाँ पर 8 तारीख का आ रहा है, तो यहाँ से इसने 188 रुपये से रिकवरी करी है और 100
97.95 रुपये, और यहाँ पर जो उसकी डे की क्लोजिंग हुई है 196.65 रुपये हुए, और हाई गया था 199.70 रुपये। अब आपने देखना है जब तक ये 200 रुपये के ऊपर सस्टेन नहीं होता ना, तब तक किसी भी कोई भी न्यू बायर उसने बाइंग नहीं करनी। और जब ये 200 रुपये के ऊपर सस्टेन होएगा तो उस कंडीशन में दो SL आ रहे हैं इसमें, और दो SL है, एक तो 190 रुपये का, और अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो 197 रुपीज़ का, यानी 197 रुपये का SL अगर 202 या 203 रुपये के ऊपर सस्टेन होगा, कुछ दिन एक दो दिन सस्टेन रहेगा 200 रुपये ऊपर, उस कंडीशन में 197 रुपये के SL के साथ करना है। अगर कोई ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है उस कंडीशन में 190 रुपये का, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपको टारगेट अभी के लिए, जब तक 200 रुपये के ऊपर सस्टेन नहीं होगा एक आधे दिन, तब तक कोई भी न्यू बायर बाइंग नहीं करेगा। और अगर 200 रुपये के ऊपर सस्टेन होगा तो 197 रुपीज़ का SL होएगा। कोई ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है 190 रुपये के SL के साथ रिस्क ले सकता है, पर इससे ज़्यादा रिस्क मत लेना, क्योंकि अगर गिरावट आई तो अच्छी खासी गिरावट भी आएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के साथ। किसी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में मैसेज करो।